बीजेपी भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के सामने हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाली साध्वी प्रज्ञा को उतारने के बारे में विचार कर रही है। पार्टी इस फैसले के नफा नुकसान के बारे में सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो भोपाल सीट पर काफी ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को पिछले साल ही NIA कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद उन्हें हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उन्हें दिग्विजय सिंह के सामने अच्छा उम्मीदवार माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह पर हिंदू आतंकवाद शब्द को जन्म देने और दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने का आरोप है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मारे गए थे। खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहाँ गोली लगना नामुमकिन है। मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सही एनकाउंटर है कि गलत एनकाउंटर है। वो जांच की गई, लेकिन फिर मुझे शिकायत ये मिली कि जो अग्रीव पार्टी थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनका वर्जन नहीं लिया। वहीं साध्वी के अनुभवी न होने के कारण भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि दुश्मन को परास्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उनका इशारा दिग्विजय सिंह की तरफ था, जिन्होंने साध्वी पर आतंकवादी होने का टैग लगाया था। साध्वी ने कहा कि मेरी कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं जिनके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं। मैं कभी उन धब्बों को नहीं भूल सकती जो उन्होंने मेरी जिंदगी पर लगाए हैं। भोपाल सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। बीजेपी यहां 1989 से ही जीतती आई है। इस सीट से अंतिम बार 1984 के चुनाव में कांग्रेस से KN प्रधान जीती थी। 1993 से 2003 तक लगातार 10 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह 2003 के बाद से अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। पार्टी की चिंता यह है कि क्या वो हिंदुत्व के मुद्दे को इस ढंग से उठा पाएगी कि चुनाव आयोग भी इस पर ऐतराज न करे। दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया था। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के आजमगढ़ स्थित घर पर भी वो गए थे और उनके परिवारों से मुलाकात की थी। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे।